हेलो गाइस, स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निकल क्लासेस पर। तो गाइस, आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, घर पर होंगे और सेफ होंगे। तो चलिए गाइस, आज की इस वीडियो में देख लेते हैं कि ये सुबह सुबह एक न्यूज़ निकल करके आई है कि आपका जो इस सेमेस्टर का एग्ज़ाम था यानी पॉलिटेक्निक का, वो अब जो है यहाँ पर जो 15 मार्च यहाँ पर डेट दिया गया था, 15 मार्च, वो शायद उस टाइम पर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर एक लाइव हिंदुस्तान पर एक न्यूज़ निकल करके आई है। तो आपको दिखा देते हैं, यहाँ पर देखिए कि लिखा गया कि पॉलिटेक्निक होली के बाद होंगी विषम सेमेस्टर की परीक्षाएं। और यहाँ पे देखिए 21 जनवरी तारीख दी गई है, 10:10 PM यानी कि फ्राइडे जो है, यानी कल रात की न्यूज है, जबकि हमने सुबह उठ के देखा तो ये न्यूज जो है आया था मैसेज में। अब देखिए यहाँ पे दिखा देते हैं थोड़ा सा और आगे आपको कि क्या है आगे की न्यूज। देखिए लिखा गया है कि लखनऊ पॉलिटेक्निक विषम सेमेस्टर की तकरीबन 3 लाख छात्र की परीक्षाएँ अब होली के बाद होंगी। और आगे देखिए लिखा गया कि प्राविधिक शिक्षा परिषद के उच्च पदस्थ सूत्रों के माने तो होली से पहले 15 मार्च से प्रस्तावित परीक्षाएं होने से छात्रों को परेशानी होगी। 18 मार्च को होली है, हॉस्टल में रहने वाले छात्र होली मनाने घर जाएंगे। ये तो देखिए जाहिर सी बात है कि जो लोग भी हॉस्टल में रहेंगे वो घर तो जाएंगे होली मनाने के लिए। तो यहाँ पे एक बात यहाँ पे ये निकल करके आ रही है। दूसरी बात यहाँ पे देखिए कि इसलिए छात्रों का मन परीक्षा में नहीं लग पाएगा, इसलिए प्रस्तावित परीक्षा जो है यहाँ पे जो 15 मार्च से होने वाली थी, अब वो देखिए यहाँ पे कार्यक्रम में फेरबदल करते हुए 22 मार्च से विषम सेमेस्टर की परीक्षाएं आयोजित की जा सकती है। अब देखिए यहाँ पे एकदम ऑफिशियल नहीं है चीज़ है, ये एक बस अनुमान लगाया जा रहा है कि आपका जो है 18 मार्च को अगर होली है तो होली की वजह से जो हॉस्टल वाले छात्र होंगे या फिर जो भी रूम लेकर के छात्र रह रहे होंगे तो उनका थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो जाएगा। तो उस चीज़ को देखते हुए यहाँ पे आपका जो कार्यक्रम परीक्षा वाला, उसमें थोड़ा सा फेरबदल किया जा सकता है, यानी कि 22 मार्च से एग्ज़ाम को कराया जा सकता है। तो ये पूरा ऑफिशियल नहीं है, उसको मतलब ऑफिशियल मत मानिएगा, 22 मार्च से माना जा सकता है यहाँ पे। और आगे चलिए देख लेते हैं आगे क्या चीज़ है। लिखा गया है कि इससे पहले विषम सेमेस्टर की परीक्षाएँ जो थी 20 जनवरी से प्रस्तावित थी, लेकिन कोरोना और चुनाव को देखते हुए परीक्षा को स्थगित 15 मार्च से प्रस्तावित किया गया। लेकिन अब इस एक बार फिर प्राविधिक शिक्षा परिषद होली को देखते हुए परीक्षा की तारीखों में बदला जा सकता है। मतलब जो है अब होली को लेकर के भी शायद इसमें जो 15 मार्च से होने वाली परीक्षा है इसको क्या है बदला जा सकता है, 22 मार्च से किया जा सकता है। तो ये देखिए पूरा ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है चीज़ है, तो इसको पूरा एकदम अच्छे से ऑफिशियल मत मानिएगा, बस केवल ऐसे जान लीजिए कि हाँ हो सकता है थोड़ा सा फेरबदल हो जाए। और देखिए अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते रहें, एग्ज़ाम जो है आपका, बहुत लोग पूछ रहे हैं कि ऑफलाइन होगा या फिर ऑनलाइन होगा, तो आपको बताते चलें कि अभी देखिए कोरोना का जो केस है बढ़ ही रहा है, तो एग्ज़ाम ऑनलाइन भी हो सकता है। अगर जो है कोरोना का केस ऐसे बढ़ता रहा तो ऑनलाइन भी हो सकता है, और अगर मान लीजिए कोरोना कुछ कम हुआ, कोरोना के जो केस में अगर कमी आई तो ऑफलाइन आपका एग्ज़ाम होगा ही होगा। तो इसीलिए आप जो है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से पढ़ते रहिए। और बाकी हमारे चैनल पर सेकंड सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर की तैयारी कराई जा रही है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और बाकी टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, पॉलिटेक्निकल क्लासेस के नाम से है, तो टेलीग्राम पर जाइए, पॉलिटेक्निकल क्लासेस सर्च कीजिए और वहाँ से जो है टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, ताकि जो है आप इससे आपके जो भी अपडेट मिलती रहे फटाफट। और बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।